फ्रेंड्स, तो आज बनाने वाले हैं हम लोग डबल टेस्ट वाली पुलाव और बिरयानी, दोनों का मज़ा आने वाला है। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल नया और टेस्टी होने वाला है। 4 चम्मच रिफाइन और 2 चम्मच लिया है घी, और पूरे भगोने में अच्छे से मिला लिया है, और डाला है कुछ खड़े गर्म मसाले, ज़ीरा, हरी मिर्च, और उनके तड़कने के बाद कुछ सब्जियां थी मेरे पास, जो भी आपके पास हो, गाजर, शिमला मिर्च और थोड़ा सा मकई के दाने, वो भी डाल दिया है। और लो फ्लेम पर इसको हम लोग भूनेंगे, सारा प्रोसेस हम लोग लो ही फ्लेम पर करेंगे। और देखिए, इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दे सब्जियों में। उसके बाद हम लोग चावल लिए हैं 2 छोटी कटोरी, आप जितना भी चावल ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें मीट मसाला मिलाया है, और अच्छे से हाथ से मिला। इसमें नमक का भी यूज़ किया, इसको खूब अच्छे से हम लोग धीरे धीरे हाथ से मिला लेंगे सारे मसालों को, और 15 से 20 मिनट रेस्ट कराएंगे। इधर देखिए, सब्जियां जो हैं लगभग पक गई हैं, और हम लोग अब इस समय चावल भी देखिए अच्छे से रख दिया है रेस्ट के लिए, और इधर काजू और किशमिश ड्राई फ्रूट्स में मिला है, आप अपने पसंद के मिला सकते हैं। और इसको भी हम लोग 2-4 मिनट भूनेंगे, और उसके बाद जो हम लोगों ने चावल रखा है मसाले मिलाकर उसको डालेंगे, और इसको भी अच्छे से भूनेंगे 5 से 6 मिनट तक, जब तक कि इसमें अच्छे से खुशबू नहीं आने लगे। और फ्रेंड्स, याद रखें कि हम लोगों ने सब्जी में भी अलग से नमक मिलाया है और चावल में भी, और इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग उसी हिसाब से नमक डालेंगे, वरना नमक ज़्यादा हो जाए, इस चीज़ का ख्याल रखें। और देखिए, इस तरह से हम लोग भूनेंगे 5 से 6 मिनट तक, उसके बाद देखिए बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, और अब हम लोग ये चावल चिपक भी नहीं रहा है। और अब हम लोग इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घर का बनाया हुआ है मेरा बिरयानी मसाला, आप लोग कहेंगे तो इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। देखिए, 1 बड़ा चम्मच डाला है, और इसको भी मिला लेंगे हम लोग, और एकदम सारा प्रोसेस मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि लो फ्लेम पर ही करना है, हाई फ्लेम पर नहीं, वरना जो इसका खुशबू है सारी चली जाएगी। उसके बाद मटर था, फ्रोज़न मटर मैंने मार्केट से लिया था, उसको डाल दिया है। और देखिए, जिस कटोरी से मैंने 2 कटोरी चावल लिया था, उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी, और थोड़ा सा अधिक पानी कम, यही आपका 3-4 चम्मच एक्स्ट्रा डाला है। और देखिए, अच्छे से मिला लिया है, और इस टाइम भी थोड़ा सा नमक डाला है सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, और ढककर इसको 25 मिनट तक पकाया है लो फ्लेम पर। और उसके बाद हम लोग इसको 25 मिनट पर देखिए खोल रहे हैं और चेक करेंगे। देखिए, चावल अच्छे से पक गया है हमारा, और बिल्कुल खिले खिले बने हुए हैं, और कहीं भी ये चिपक नहीं रहा है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इसको। मैंने एक बार इसकी रेसिपी आपको बताई थी कुकर में, पर इस बार नए तरीके से मैंने भगोने बनाई है। थैंक यू।